तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज गोइंग ग्रेट। स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। सो आज है 28 जून एंड अभी बज रहे सुबह के 4:30। एंड मैं इतने जल्दी क्यों उठी हूँ वो इसलिए क्योंकि आई हैव डिसाइडेड टू एक्सप्लोर वन प्लेस जो कि जितना सुबह पहुँचूँ उतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा और मैं आप लोग के साथ वो चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं तो जल्दी जल्दी उठ चुकी हूँ, अभी रेडी होती हूँ फटाफट। एक्चुअली वो प्लेस क्या है मैं वहाँ जाके बताती हूँ, एंड दैट प्लेस इज़ फेमस फॉर इट्स मॉर्निंग ग्लोरी ओनली। सो चलो फटाफट रेडी होते हैं एंड जाते हैं। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 5:30। मम्मी बहुत ज़्यादा लेट कर रही है वहाँ पहुँचने में, जल्दी जल्दी रेडी हो। क्या परफ्यूम लगाए, यहाँ तक स्मेल आ रहा है। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, अब फटाफट जूते पहनते हैं, निकलते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग। पापा अपने एक्सक्लूसिव कलेक्शन निकाल रहे हैं, पापा के फेवरेट ब्लैक शूज। ये देखो सामान देखो, बाप रे बाप, इतना सब कुछ लेके जाने का क्या जरूरत है? 2-4 घंटे के लिए जा रहे हैं हम। तो बोतल वहां पर छोड़ के चली जाएगी? नहीं नहीं ले रही, वो तो वीडियो बना रही हूँ, हाथ में ऑलरेडी 3 है। सो हमारा डेस्टिनेशन 39 किलोमीटर्स अवे है। वी आर ऑन अहमदाबाद टू पालंगपुर हाईवे। टोरेंट फार्मा, सब सोते सोते जा रहे हैं ऑफिस। यहाँ पे ऐसे होटल्स भी है हाईवे में, रुक के किसी को ब्रेकफास्ट वगैरह करना हो, लंच वगैरह, तो हो सकता है। सो अभी एग्जैक्टली 7 बजने जा रहे हैं, बट सूरज देवता नहीं निकले हैं। तो ये मोढेरा टेम्पल जो है, ये मोढेरा विलेज के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। सो हम उसी विलेज वाले रास्ते से अभी जा रहे हैं। 20 किलोमीटर ही बाकी है अभी, रास्ता थोड़ा सा खराब है, बाईपास रोड है तो थोड़ा खराब ही रहता है। सन टेम्पल मोढेरा। सो यहाँ पे एंट्री फीस फॉर इंडियन इज 25 एंड फॉर फॉरेनर इट इज 300 रुपीज़। बाप रे बाप, इतना सारा। सो 20 रुपीज़ है पार्किंग चार्जेस। सो हियर वी एंटर आर मोढेरा। पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। As we enter this historical place, सबसे पहले हमें ये सुंदर सा मैग्निफिशेंट कुंड देखने मिलेगा जो कि रेक्टेंगल शेप में है, जिसमें 108 भगवान प्रेजेंट है। सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 में इस मंदिर का निर्माण किया था। वो सूर्य भगवान के उपासक थे, उनकी पूजा करते थे, तो उनकी याद में उन्होंने ये मंदिर बनाया। मंदिर टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है सूर्य कुंड, दूसरा है मीटिंग हॉल और तीसरा था द मेन टेम्पल। कुंड में 108 मंदिर है। राइट साइड में है सबसे पहले गणेश जी, फिर आती है शीतला माँ का मंदिर, फिर थोड़ा सा डैमेज हो रखा है मंदिर, इसमें स्लीपिंग विष्णु प्रेजेंट है। कॉर्नर में है महाकाली माँ का मंदिर एंड लास्ट में है नटराज डांसिंग फॉर शिवा। ये 5 बड़े टेम्पल है, इनमें काली माँ की मूर्ति नहीं है, बाकी सब में है। मोढेरा का सन टेम्पल सैंडस्टोन में बनाया गया है। बाकी जितने भी छोटे छोटे टेम्पल्स दिख रहे हैं आपको, इनमें से रेन की वजह से, हवा की वजह से थोड़ा इरोजन हो रखा है तो नुकसान हो गया है। एक और खास बात है इस कुंड की कि मेल एंड फीमेल दोनों ही जाते हैं इस कुंड में नहाने, तो कभी कोई एक्सीडेंट ना हो जाए इसलिए एक सीढ़ी के 2 भाग है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेप अप एंड डाउन है। सो ये बैलेंस के लिए बनाया गया है, एक साइड मैन चलेंगे एंड एक साइड वुमन। 1000 years ago इस कुंड में स्प्रिंग वाटर था, कुदरती पानी ज़मीन में से बाहर आता था। अब जो पानी दिख रहा है वो बारिश का है, गंदा पानी है। 10 फीट गहरा है ये पूरा सूर्य कुंड का पानी। तो इस कुंड में नहाने के बाद 108 भगवान के दर्शन करना बहुत ही अच्छा लगता है। पूरा टेम्पल वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग बनाया गया है एंड साइंस के बेसिस पे भी। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ,
तो मेन टेंपल जो है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है। दूर वाले जो दो पिलर आपको दिख रहे हैं वो 1000 ईयर्स पुराना है एंड वहाँ से प्रवेश करना लकी एंट्रेंस माना जाता है। मोढेरा सन टेंपल में 2 बार अटैक हुआ। द सन टेंपल वॉज फर्स्ट अटैक्ड बाय इस्लामिक इन्वेडर्स महमूद गजनी एंड सेकेंड अटैक वॉज डन बाय अलाउद्दीन खिलजी। दे किल्ड पीपल, लूटेड टेंपल रिचेस एंड पुट एक्सप्लोजिव इन द गर्भगृह टू मेक इट्स मेन शिखर कोलैप्स। इतनी बार अटैक होने के बाद भी मोढेरा सन टेंपल इज स्टिल सो ब्यूटिफुल। 1975 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेनोवेशन किया था बट उसमें सीमेंट का यूज़ किया गया था। भारत में 2 सूर्य मंदिर है, एक इससे भी बड़ा है जो कि है कोणार्क सन टेंपल। ये 13th century में नरसिंह राव जी ने बनाया था 7 घोड़ों के रथ के ऊपर और ये मोढेरा भीमदेव जी ने इन्वर्टेड लोटस पैटर्न के ऊपर बनाया है। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में जो कि है मीटिंग एंड डांसिंग हॉल, भजन और प्रार्थना के लिए। इसके अंदर ईयरली कैलेंडर पोर्ट्रे किया गया है पूरे साल का। एक साल में 52 वीक्स आते हैं और इसके अंदर 52 पिलर्स है। अगर आप लोग विजिट करेंगे तो ज़रूर काउंट कीजिएगा। यहाँ सारे डिज़ाइंस की स्टोरी है, जैसे कि अगर आप ऊपर देखें तो महाभारत के 5 पांडव के डिज़ाइन बनाई गई है। यहाँ रामायण की भी स्टोरी है, पेड़ के नीचे सीता माँ बैठी है और उनके सामने हनुमान जी। सीता माँ का हरण भी दिख रहा है, पुष्पक विमान में कैसे बिठा के ले गए थे एंड जटायु नाम के पक्षी उनका सामना कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज है हर 52 पिलर्स के ऊपर। यहाँ रेन एंड हवा की वजह से इरोजन हुआ है जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। और ये है मुख्य मंदिर। आगे वाले पार्ट को सिंगार चौकी बोला जाता है एंड दोनों साइड इन्वर्टेड लोटस के पैटर्न आप देख ही सकते हैं। हर मंदिर की शुरुआत में गणपति जी तो होते ही है, तो आप लोग देख सकते हैं गणेश जी, कुबेर जी, अप्सराओं, द्वारपाल एंड सबसे ऊपर ब्रह्म, शिव और महेश है। यहाँ भी हर पिलर के ऊपर डिफरेंट स्टोरी पोर्ट्रे की गई है। ये मेडिटेशन रूम है, ये गवर्नमेंट द्वारा फिलहाल बंद कर रखा है। ये है इंटरलॉक सिस्टम, इसमें पत्थर के 2 टुकड़े किए गए और वुड से लॉक किया गया था। ये है टेंपल का मेन पार्ट, इसका नाम है गर्भगृह। यहाँ गॉड एंड गॉडेसेस की स्थापना होती है। इसके अंदर 11th century में सूर्य देव की सोने की 5 फुट की स्टैचू थी। स्टैचू के ऊपर क्राउन था एंड उसमें एक डायमंड प्रेजेंट था। पूरा मंदिर वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ वो एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पे हूँ, दैट इज 23.5 डिग्री। सो सूर्य की पहली किरण 21 मार्च एंड 30 सितंबर, 2 दिन इक्विनॉक्स होता है, दैट इज 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट। तो वो सन रे सीधा डायमंड पे घिरता था और उसके रिफ्लेक्शन से पूरा सूर्य मंदिर रंग बिरंगे कलर में प्रकाशित होता था, इसीलिए ये मंदिर वर्ल्ड फेमस है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग भी टॉपिक ऑफ कैंसर की शोध करके ये मंदिर यहीं बनाया गया। यह मूर्ति हुआ करती थी पर अब बंद कर दिया गया है, सो हम लोगों ने परिक्रमा ही कर ली मंदिर के आजू बाजू। मोढेरा सन टेंपल है लेकिन आज सूर्यदेव बाहर ही नहीं आए। इतना ब्यूटीफुल, इतना पीसफुल लग रहा है ना यहाँ पे। मीन्स एक तो आज मंडे है, कल सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, लेकिन आज एकदम मंडे है तो खाली है पूरा मंदिर, कोई नहीं, सिर्फ मम्मी पापा और मैं। तो मस्त बढ़िया सा फोटोशूट चल रहा है एंड वी आर इंजॉइंग हियर। कुंड के पास मैं आप लोग को थोड़ा सा लेके जाती हूँ, ज़्यादा पास नहीं जाऊँगी, गिर जाऊँगी तो फिर व्लॉग कौन बनाएगा। सो यहाँ पे बेसिकली स्नान करने के बाद जाते थे सब लोग ये असेंबली में। यहाँ पे गाना बजाना, भजन वगैरह सब होता था। इसके बाद आता था नेक्स्ट हमारा सूर्य मंदिर।
सो यहाँ पे काफी टूरिस्ट आते हैं, ये लोग द्वारका से आए हैं ये मोढेरा सन टेम्पल देखने के लिए। तो आप कितने सालों से यहाँ पे इसका सिक्योरिटी कर रहे हैं मोढेरा का? 10 साल से। ओके, सैटरडे संडे बहुत भीड़ रहता होगा यहाँ पे? हाँ, भीड़ रहता है। पार्किंग चार्जेस है यहाँ पे 2-wheeler ₹10, कार के 20 एंड बस के 30 रुपीज़। पार्किंग फैसिलिटी बहुत बढ़िया है, धीरे धीरे लोगों ने आना शुरू कर दिया है। सो अभी बज रहे 9 और बहुत जोर की भूख लग रही है। और मम्मी को देखो, ये सब कुछ लेके आई थी, चीरा, आम, इसमें दूध है। चाय का भी जुगाड़ है, चाय भी लेके आए हम लोग। मम्मी अपना चौकोस भी लेके आई है, दूध चौकोस खाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ अच्छे सब्सक्राइबर्स मुझे मिल गए हैं। ये लोग आनंद से आए हैं यहाँ पे मोढेरा टेम्पल विजिट करने के लिए। सो कैसा लगा देख के? बहुत ही अच्छा। फोटो शूट कराए सबने? थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मोढेरा टेम्पल से थोड़ी दूर में है एक बहुचर माता जी का मंदिर। सो यहाँ पे हम लोग आए हैं अभी।